जिस तरह मेरे साथ हुआ उस तरह और किसी के साथ नहीं हो, यही कहना चाहते हैं। और क्या, जमुई में हॉस्पिटल ने आपका संज्ञान लिया और आपको आपकी पुत्रवधू को सकुशल भेज दिया, नहीं तो इसकी जिंदगी से भी खिलवाड़ हो जाता। अच्छा, आपका भी नहीं माना तो आपका क्या सीजर किया गया था? हाँ, सीजर किया गया आपको? छोटा बच्चा बच्चा ऑपरेशन। जो डिलीवरी हुआ वो हाँ, लड़की थी या लड़का था? लड़का। ये पहली डिलीवरी आपकी है? आप देख रहे हैं केवल दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर, जहां पर धोगट की सोनम देवी का पहला बच्चा प्रसव होने वाला था। जैसा कि उसने जानकारी दी कि मेरे ने मैंने जो अपने एम्बुलेंस को खबर की, एम्बुलेंस आई और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। रात के लगभग 1 बजे की घटना है। वहाँ पर ANM विनीता कुमारी और एक दो थी, ANM और GNM दो थी जो वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने उसे पेन किलर देकर उसके पेन दर्द को रोक दिया और सुबह चीरा लगा करके उसे बच्चे को डिलीवरी करा दी। बच्चा जीवित तो नहीं रहा। इस समय में डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, ना महिला डॉक्टर थी ना पुरुष चिकित्सक यहाँ पर मौजूद थे। आशा के द्वारा ही बच्चे की डिलीवरी करा दी गई और उसे चीरा लगाने के बाद वापस जमुई भेज दिया गया, जहाँ पर जमुई में उसे टांका लगाया गया और सुरक्षित घर लाया गया, जबकि बच्चे की तो यहीं पर गिद्धौर हॉस्पिटल में ही अकाल मौत हो गई थी। अभी मैंने यहाँ के BHM प्रियदर्शनी जी से संपर्क किया, उन्होंने फोन पर कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ और जो उस परिवार पीड़िता के परिवार के लोगों ने आवेदन दिया है उस पर एक कमेटी गठन की गई है और उस पर जांच, उस स्तरीय जांच चल रही है। उपस्थित नहीं हूँ लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए मेरी खास रिपोर्ट गिद्धौर सामुदायिक स्वास्थ्य। तो पेन हुआ था डिलीवरी के लिए, उस समय आप लोगों ने एम्बुलेंस को खबर किया था? हाँ, कितने देर के बाद एम्बुलेंस आई? 45 मिनट। और कोई साधन था आपके घर से जाने के लिए हॉस्पिटल में? बाइक से जाना संभव नहीं था आपका? अच्छा, वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या हुआ आपके साथ? हॉस्पिटल में हुआ, जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो हम बताए कि जैसे पानी का थैली फट गया, तो नर्स आई और सुई देके और चली गई। आपने पूछा था नर्स से कि क्या चीज का इंजेक्शन दे रही है? हाँ, बोली एंटीबायोटिक का दे रहे हैं। क्या नाम था नर्स का, नाम जानती है? नहीं, उसको चेहरे से पहचान जाएंगी? हाँ, चेहरा से पहचान सकती है कि ये नर्स ने आपका जो है डिलीवरी करवाई थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही इंजेक्शन दे के वो लोग चली गई सोने के लिए। ये कितने बजे की बात है? ये वही 2 बजे की बात है। आप लोग हॉस्पिटल 1 बजे के आसपास पहुँचे थे? हाँ, इंजेक्शन दे के वो फिर मतलब थोड़े देर गई और फिर चली गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो ऐसे ही हम लोग चलते बुलते रहे। उसके बाद फिर 6 बजे आई, 2-4 दाई थी, वो बोली कि हम ही लोग यहाँ पे डिलीवरी करवाते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता है डिलीवरी के लिए। ये नर्स ने कहा कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं आते हैं? नर्स नहीं बोली, वही दाई सब बोली। हाँ, जो दाई बोली कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं या नहीं रहते हैं, यही ना। हाँ। ये बताइए आपके साथ में आपके परिवार के और कौन कौन थे? मेरी सास थी और एक चाची थी और ये भैया थे। अच्छा, इन लोगों ने जानकारी ली उनसे कि मतलब इस तरह कोताही क्यों हो रही है हॉस्पिटल में? नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सुबह क्या हुआ दाई आने के बाद? सुबह वही हुआ, डिलीवरी के लिए हमको डिलीवरी रूम में ले गया। उसके बाद वही दवाई दवाई सुई जो भी पड़ना था वही पड़ा, और उसके बाद फिर पूरा प्रेशर नहीं था ज्यादा और दबाव डाल के पूरा निकाल दिया बच्चा को। मतलब दबाव किस से डाला गया? अपने हाथों से पेट को दबाया गया? हाथ से। ऐसे में क्या हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर वही बहुत देर होने के बाद फिर डिलीवरी हुआ उसी तरह, लेकिन वही फिर काट वाट दिया था बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर टाका भी नहीं मारा। अच्छा, टाका भी नहीं मारा? नहीं, तो आपका क्या सीजर किया गया था? हाँ, सीजर किया गया आपको? हाँ, बच्चा बच्चा जो डिलीवरी हुआ। हाँ। वो लड़की थी या लड़का था? लड़का। ये पहली डिलीवरी आपकी है? जी। ऐसे में आपके शरीर के साथ काफी तरह का मतलब अपनी बिहारी भाषा में कहा जा सकता है कि गिंजन हुआ है। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप कहना चाहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर अगर मेरा भी टाइम व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, टाइम पे अगर टाका नहीं लगता, हम जमुई नहीं जाते हैं, तो फिर मेरा भी जान जा सकता था। वहाँ पे जब जमुई गए तो बोला कि इसको इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। पूरा ब्लड गिर गया था मेरा शरीर का, जबकि आप एक स्वस्थ शरीर से लग रही। हाँ, देखने में। हाँ, लेकिन नर्स की कोताही से या दाई की कोताही से आपके बच्चे को
बलपूर्वक आपके शरीर से निकाला गया और आपको टाका भी नहीं लगाया गया। जमुई कितने बजे गई थी आप? जमुई बच्चा हुआ उसके बाद ही हम लोग आधा घंटा मतलब जमुई निकल गए रेफर कर। जिस समय बच्चा डिलीवरी हुआ तो उस समय बच्चा जीवित था? हाँ, उस टाइम थोड़ा उस टाइम बच्चा जीवित था, उसको पटना भी ले गए हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता देवी है। क्या नाम है? पति का नाम क्या? पति के नाम अशोक सिंह है। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? ये धोगढ़ गांव है। धोगढ़ गांव में आपकी पुत्रों के साथ में कुछ परेशानी हुई है हॉस्पिटल में? क्या हुआ था, कुछ जानकारी देंगी? किसकी लापरवाही से बच्चा इस दुनिया में अपना जीवन नहीं जी सका? बच्चे को की कहे नर्स और की कहे वो दाई थी ना, वो लोग बोली हम ही लोग डॉक्टर है, ये कह के दवा दे के मेरा बच्चा को मार दिया। नर्स और दाई ने कहा हम ही लोग डॉक्टर है? क्या वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे? नहीं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे। ऐसे में आने वाले और भी बहुत सी महिलाओं को तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह आपकी पोतों के साथ जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है और दूसरी औरतों के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो सकता है। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह मेरे साथ हुआ उस तरह और किसी के साथ नहीं हो, यही कहना चाहते हैं। और क्या आपने थाना में आवेदन दिया कि आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है? नहीं, थाना में नहीं दे पाए, परेशानी की वजह से हम थाना में नहीं कुछ कर पाए। क्या चाहती है बाप? करके भी क्या करते हैं हम लोग? क्या चाहती है बाप? अब क्या चाहे वही तो हमको समझने लगता, मेरा बच्चा भी तो खत्म हो गया, इसका भी सगड़ो चीर फाड़ दिया, इसको भी तो बलर उलर चढ़ाए, फिर किसी तरह से इसको हम अच्छा किए, ऐसे तो इसका खत्म। आपकी पुत्र क्या नाम बताया आपने? सोनम। सोनम पहली डिलीवरी थी उसकी? हाँ, पहली डिलीवरी में उसको सीजर किया गया बिना किसी डॉक्टर के, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अपराध हो गया। हाँ। एक डॉक्टर नहीं, MBBS नहीं, और वो अगर दाई हो या नर्स जिसको जो भी कर रही, जिसे मैं नहीं जानता, उन्होंने बच्चे महिला का सीजर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद क्या सीजर को टाका वगैरह लगाया था? नहीं, टाका भी नहीं लगाए और भेज दिए इसको रेफर करके वहाँ जम्मू। जम्मू फिर गए तो वहाँ फिर सब लोग ने हमको डांटने लगा, नर्स चीर फाड़ के लेकर आए, जहाँ चीर फाड़ किए वहीं जाकर के इसको इलाज करवाइए, फिर भी हम गोड़ मुड़ करके इनको की कहे सिलाई बुलाई करवाए। जम्मू में भी जब आप अपनी पुत्र वधु को लेके गई तो वहाँ पर भी आपको डांट फटकार पड़ी थी? इस तरह बेदर्दी से किसने जो है सीजर किया आपकी बहू का? तो फिर हमने उसको गोड़ मुड़ करके इनको दाखिल करवाया कि चलिए भाई इनको इलाज कर दीजिए, जो कि मेरी पुत्र को तो बचा दीजिए, बच्चे को तो नहीं बचा पाए, कम से कम पुत्र को भी तो बचा लें। जमुई में हॉस्पिटल ने आपका संज्ञान लिया और आपको आपकी पुत्र वधु को सकुशल भेज दिया, नहीं तो इसकी जिंदगी से भी खिलवाड़ हो जाता। हाँ। जो नर्स थी उसका नाम बिंदी था, क्या बोल रही थी? कि नाम बच्चा को रखने के लिए बोले या नाम को लेने के लिए बोले? मतलब स्वास्थ्य केंद्र में ना आप रह सकते हैं ना किसी को ला सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जाइए, अपनी मर्जी से आइए। हाँ। तो वो लोग ड्यूटी किस चीज की कर रही है? वो लोग वही लोग नाइट ड्यूटी कर रहे थे, पता नहीं।